सो हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो जो गार्डन टू टेबल होगा, मतलब हम गार्डन से अपना वेज सब गार्डन से लेके मैं और खाना बनाऊंगी। वैसे तो आज का ब्रेकफास्ट जो मुझे मालूम नहीं डिनर और लंच तो मैं आपको दिखा पाऊंगी या नहीं, लेकिन आज का ब्रेकफास्ट जो मैं आपको मतलब दिखाऊंगी, तो आज का ब्रेकफास्ट का मेन इंग्रेडिएंट्स होता है ना, वो जो चाइव्स होगा। तो मैं अपना गार्डन से चाइव्स लेने वाला हूँ और मैं बनाऊंगी पैनकेक। वैसे तो हम लोग खुरमा बोलते हैं उसका, मतलब इट ऑलमोस्ट ये पैनकेक से सिमिलर होता है, लेकिन इट इज़ इन लाइक विलेज स्टाइल। तो मैं आपको दिखाऊंगी। तो हम अभी देखो, मैं अपने गार्डन पे आपको ले जाता हूँ और हम अभी चाइव्स तोड़ेंगे। वैसे तो इंग्रेडिएंट्स और दूसरा कुछ भी नहीं है, चाइव्स जो मेन है और दूसरा जो भी होगा ना, वो मतलब अपना किचन में ही है। सो लेट्स गो। और ये है हमारी चाइव्स, देखो सा इतना अच्छा हो रहा है ये वाला सब। तो चाइव्स जो ना बहुत ही जल्दी बढ़ता है, ये जो ना आपको मतलब जितना कटेगा ना इतना अच्छा होता है, लेकिन ये जो ना विंटर में नहीं होता है, क्योंकि विंटर में क्या होता है ठंडा होते समय ये निकाल नहीं पाता है, लेकिन समर में देखो आप जितना भी कटेगा ना इतना नरम अच्छा से निकलता है ये वाला जो। तो मुझे आज इतना भी ज़्यादा नहीं चाहिए, थोड़ा सा चाहिए, तो मैं थोड़ा सा उसको काट लूँगी। तो मैंने इतना ही काटा है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। आज घर में कोई भी नहीं है, मैं और मेरा नेफ्यू और पापा ही है ब्रेकफास्ट खाने वाला। मम्मी तो कंपा चला गया, तो हमने थोड़ा सा तोड़ा है देखो। और बाय द वे कैसा हमारी फूल, देखो यार कितना अच्छा हो के बेटा है। हमारे यहाँ पे धुलाएंगे इसको। तो आज का फर्स्ट इंग्रेडिएंट्स हमें डालना है आटा। आटा डालते हैं हम अभी, और थोड़ा सा डालूंगी मैं। तो हमें इसके बाद डालना है चाइव्स जो चॉपिंग करके, तो मैं चॉपिंग करूंगी। ऐसे जितना चॉपिंग छोटा करेगा ना इतना अच्छा है। तो मैं इतना इतना साइज चॉपिंग कर रहा हूँ, आप देख रहा होगा। बहुत ही फ्रेश है ये। तो हमने जो भी चॉप किया है ना उसको डाल दूंगी अभी ये आटा का साथ। देखो यहाँ पे ऐसे ही। तो हमने चाइव्स पूरा डाल दिया है, उसके बाद जो नमक डालेंगे, नमक और चिली पाउडर। ख़त्म हो गया हमारा चिली पाउडर तो ऐसे, तो इसको थोड़ा सा टेस्ट के लिए बनाना है और बच्चा होने से थोड़ा कम डालना है इसको। हमने नमक और मिर्चा दोनों डाल दिया, लेकिन मैं बोलने वाला था एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स जो कि है अंडा। देखो अंडा जो आप नहीं डाल भी सकता है, लेकिन ये डालने से थोड़ा सॉफ्ट और ना रोटी का जैसा गोल गोल पत्ते, नहीं तो ये फट जाता है जब पकाएगा ना। तो इसको डाल लो आप। और उसके बाद है पानी डालने। देखो पानी डाल के उसके बाद अच्छा से मिक्स कर लेना है। अच्छा से मिक्स करने है तो हमें
तो देखो मैंने अच्छा से मिक्स कर लिया है, तो इतना ठीक भी नहीं बनाना है और इतना पतला भी नहीं बनाना है इसको। तो इतना अच्छा से अभी ये हो गया है मिक्स, जो अभी हम इसको फ्राई करेंगे। आपको पैन बिठाना है, उसके बाद पैन गर्म होते समय आप तेल भी डाल के कर सकते हैं, लेकिन हम लोग देखो ये घी डाल रहे हैं क्योंकि घी डालते समय ना उसका टेस्ट और भी अच्छा होता है, ये पैन केक का टेस्ट जो, इसलिए हम घी डालते हैं इसमें, नहीं तो आप तेल भी डाल सकते हैं इसमें। तो अभी देखो ये तेल घी जो गर्म हो चुका है, तो हम इतना पोर्शन से लेके डालेंगे। उसके बाद जो ना आप क्या हो लेगा, ये फ्लेम को थोड़ा कम कर दीजिए ना, तो ये नीचे वाला पूरा जल जाता है। उसके बाद रखना है ऐसे थोड़ा सा, जब ये सब टाइट टाइट होगा ना तब अब उसको फ्लिप कर सकता है। तो ये देखो स्लोली स्लोली देखो ये ऐसा हो जाता है। ऐसा होने के बाद जो आप अच्छा से देख लीजिए और देखो फ्लिप करने का होने से आप फ्लिप कर सकते हैं। देखो तो ऐसा बनता है ये जो, एक पेन केक जो बन गया, लेकिन साइज़ इतना बड़ा हो गया, देखो किस में भी लाइक अच्छा से फिट नहीं हो रहा है। तो उसके बाद जो ना आप वापस घी थोड़ा सा डालना है, पहले का थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा हो गया था, अभी हम थोड़ा कम बना लेंगे इसको, साइज थोड़ा छोटा करके। आज मेरा ब्रेकफास्ट खाने वाला देखो ये और ये है, तो उसको ना जो मैं अभी बना रहा हूँ ना इसको बहुत ही पसंद है ना, पेन केक फेवरेट गिरानी दमचे है, और मेरे पापा को भी पसंद है क्योंकि आजकल देखो विद द एजिंग पापा जो बोलते हैं कि वो बहुत ही सॉफ्ट है, नरम है, दांत में दांत खत्म। तो आपा जो ना उसको खाना बहुत पसंद करते है, तो आज ब्रेकफास्ट खाने वाले सिर्फ ये दोनों है, तो हमने ये दोनों का फेवरेट चीज बनाया है। तमचे आपका भी फेवरेट है ना, खाएगा ना आप, कितना खाएगा, दो पांच खाएगा, अरे चुट बोलते है ये दो तो खाते है लेकिन। ब्रेकफास्ट रेडी है, तमचे गिरेगा, तमचे का ब्रेकफास्ट खाओ, तमचे आपा का ब्रेकफास्ट। तमचे देखिएगा खा अच्छा है, टेस्ट है, यम्मी हाँ यम्मी ब्लम हाँ अच्छा है। तो मेरे पापा और मेरे नेसी ने खाना खा लिया है, तो मैं अभी खा रहा हूँ, अभी जस्ट बना के ख़त्म हो गया, तो वो दोनों ने दो दो खाए हैं, तो मैं खाऊंगी दो, जैसे तो यहाँ पे तीन बचा है। तो ये वाला रेसिपी जो ना बहुत हेल्दी भी है, टेस्ट भी बहुत अच्छे इसका। और ये बनाते समय ना झमेला बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ना देखो जब हम रोटी वोटी बनाते हैं ना तो हम क्या करते हैं कि हमें क्या चाहिए, सब्जी अलग से बनाना पड़ता है, ऐसा कुछ होता है ना। और कभी दिन क्या होता है मालूम है ना आपको, मतलब जब सब्जी का सीज़न नहीं होता ना हमारे यहाँ, तो वैसे मार्केट में इतना सब्जी वगैरह नहीं आता है, तो हम ज़्यादातर अपना गार्डन से ही खाता है। तो एक सीज़न आ जाता है ना, मतलब इस समर में, कि बिल्कुल भी सब्जी नहीं होगी ऐसा, तो इस टाइम में ऐसा वाला रेसिपी इज़ द बेस्ट, आपको मतलब सब्जी एक्स्ट्रा बना के ऐसा नहीं करना पड़ेगा, ऊपर से हेल्दी है, और बड़ा आदमी के लिए ना दिस इज़ वेरी सॉफ्ट। जैसे कि मेरा पापा का एज जो क्या होता है कि मतलब वो लोग दांत अभी इतना भी अच्छा नहीं होता है, स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, तो हार्ड हार्ड खाने के लिए, सो ही रियली इन्जॉय दिस वन।
और मेरी नेफी भी ना इसको बहुत ही पसंद करता है, मैंने आपको पहले बताया था ना, तो दिस वन इज़ रियली नाइस, तो आप ज़रूर ट्राई करेगा घर में, और मेरी कमेंट्स पे बताना आप अगर ट्राई कर रहे थे। और यार मैं इतना भी वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ आजकल, आप लोगों को पता है ना कि मैं मतलब बहुत ही वीडियो बनाना पसंद करता हूँ, लेकिन एट द सेम टाइम हम बहुत लेजी है थोड़ा, तो इसलिए कंटिन्यूस नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं आज तो बनाऊँगी कुछ, तो ये था मेरा रेसिपी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और आपको मेरी वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट्स करना और अपना फेसबुक में शेयर ज़रूर करना। बाय। और मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना भाई।